All I want to say is thank you, guys. Thank you, Benetton, once again, for making all of us look stylish. And hope this spring summer is amazing. And thank you to all the people who came out. Lots of love. Big hug. Thank you, guys. Have an amazing evening. Bye. Thank you. Thank you so, so much. I believe there are some questions for Siddharth. Yes, we can hear you. Hi, Siddharth. I have one question. All right. This is Ravi Kumar in front of you. Yeah. This is Ravi Kumar from News Helpline. Siddharth, we have seen your old pictures of college. You are very simple, very shy. So I have to know. Which picture have you seen? College? College ki picture. Okay, okay. तो उसमें आप काफी सिंपल काफी शाय दिखाई देते हैं लेकिन जब आप ग्लैमर वर्ल्ड में आप एंट्री कर रहे थे और उसके लिए आपने प्रिपेयर की आपने फैशनेबल बनने के लिए आपको किस तरह की चैलेंजेस आपको पर्सनली आए फैशनेबल बनने के लिए मैंने किस किस्म के चैलेंजेस फेस किए आई थिंक ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि फैशनेबल बन जाऊं मैंने कोई ऐसे कोई जाप नहीं किया या कोई मेहनत नहीं करी आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट एज आई सेड आज को कि नोइंग कि आपके बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर पे क्या सूट करता है आपके पास अगर अच्छे अवेलेबल ब्रांड्स हो इनके जैसे कि वहां से क्या पिक करना मेरे मुताबिक फैशन कम्स 4 times अ ईयर बट स्टाइल इज आप उसमें से जो पिक करते हो दैट इज स्टाइल सो मैं लकी था पता नहीं कि आपने कौन सी फोटो देखी मेरी बचपन की आपने मेरे देखा कि नहीं देखा कॉलेज की बट आई थिंक आई वाज क्वाइट लकी दैट आई हैड इनफ ब्रांड्स हाई स्ट्रीट ब्रांड्स दिल्ली में बेनेटॉन के जैसे जहाँ पे मुझे चूज करने का मौका मिला ठीक है जब किसी लड़की को डेट पर लेकर जाना हो तब आप नर्वस रहे कभी पहली बार की मैं बात कर रहा हूँ और क्या उस वक्त कैसे चूज करते हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए लड़की कैसे चूज करते हैं हाँ, नहीं नहीं डेट पर जाते वक्त कपड़े कैसे चूज करते हैं कि क्या पहनना चाहिए कपड़े कैसे चूज करते हैं डेट पे जाने के लिए अच्छा वाह डेफिनेटली कोई भी लड़का जब डेट पे जाता है स्कूल कॉलेज में नर्वस ही होता है हाथ पांव पसीने आ रहे होते हैं आप बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कैसे लग रहे हैं क्या बोलेंगे कहाँ लेके जाएंगे बट फर्स्ट चीज होती है फर्स्ट इंप्रेशन इज कि लड़की आपको देखती है यू नो कि कैसा दिख रहा है लड़का तो आई थिंक मेरा जो मैं चूज करता था कपड़े एक तो अपने उस पर कोशिश करते थे कि नया क्या आया है मार्केट में और जहां पे मैं रहता था साउथ दिल्ली में वहां पे विच आई एम नॉट जोकिंग आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड यू नो आई हैव हिस्ट्री विद बेनेटॉन कि वहां पे बेनेटॉन वॉज द फर्स्ट फैशन ब्रांड जो आया था मैं डेफकॉन में रहता हूँ दिल्ली में रहता था एंड तो वहां पे जाके होता था कि नया सीजन क्या है एंड देन पिक ऑन डिफरेंट कलर्स वेदर क्या है आई थिंक मैं उसमें जाता था बाकी लक की बात ये कि लड़की को पसंद आया कि नहीं आया मेरे को पता नहीं आई हैव टू आस्क ऑल द गर्ल्स बट आई थिंक माय मंत्रा वाज कि मौसम कैसा है और मुझे फिट कैसा आता है सिद्धार्थ ग्रोइंग एज में आप सबसे ज्यादा किसे फॉलो करते थे बॉलीवुड में से फैशन पे आई थिंक जो हमेशा फैशनेबल रहे हैं एक तो द ऑब्वियस जो सब पूरा इंदर जानता है मिस्टर बच्चन है देन आई थिंक उनके बाद आते हैं सैफ अली खान बिन वेरी वेरी फैशनेबल बहुत ही शीक बहुत ही क्लासी कपड़े यू नो रिसेंट टाइम में ऋतिक रोशन ऑल थैंक्स टू अनाइटा हु स्टाइल नंबर सो मेनी फिल्म्स तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं एंड यू नो करण जौहर की पिक्चरें जो है हम लोग धर्मा में देखते हैं कि शाहरुख खान जी जो पहनते थे यहाँ पे कुछ कुछ होता है आई रिमेम्बर जो पहली बार इंडियन सिनेमा में इतना कलर देखा या वो यू नो अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स टी शर्ट देखी हमने तो आई थिंक डेफिनेटली बॉलीवुड का बहुत अच्छा हाथ रहा है हम सबको फैशनेबल बनाने में व्हाट माय फैशन स्टाइल इज मेरा कोई ऐसा देयर इज नो रूल आई थिंक देयर आर नो रूल्स दैट आई लाइक टू फॉलो एवरी डे दिन दिन की बात है एक इंडिविजुअल स्टाइल की बात है मूड की बात है आज हम स्प्रिंग समर की बात कर रहे हैं तो मेरे को ये कलर बहुत पसंद आया यू नो कि इट्स वेरी समरी इट्स वेरी लाइट मुझे ये जो बेनेटॉन का ये ग्राफिक टी है बहुत पसंद आए तो देन मेरे को देन आई सॉ कंफर्टेबल शूज जो मैच कर रहे हैं मेरे जीन्स के साथ वो भी बेनेटॉन से है तो आई थिंक इट्स हर दिन अलग होता है ऐसा कोई मंत्रा नहीं है कि मैं पूरे साल को फॉलो करूँ और ऐसे कोई रूल्स नहीं है मेरे ख्याल से फैशन में तो या आई थिंक एवरी डे इज डिफरेंट लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ यहाँ पे काफी ऑडियंस है और ये जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थ किस तरह से अपील करे कि वो सबसे ज्यादा फैशनेबल किस तरह हो आप कुछ अपील करना चाहेंगे उनके लिए
अरे उनको स्टाइलिश बनाने के लिए हमारे पास तीन यहाँ स्टाइलिश थी, मैं उनको वापस बुला लूंगा. आई थिंक दे आर बेटर टू टेल देम एंड स्टाइल द पीपल अराउंड. मैं आज डेफिनेटली कहूंगा कि दिस समर देयर टेस्ट शुड बी मेड ऑफ बेनेटॉन. आई थिंक इट्स इजी एंड अफोर्डेबल. ऑल द गाइज आई नो वी आर ऑन यू नो वी आर वेरी कॉन्शियस कि समर में क्या पहनेंगे, यू नो किस किस्म के ट्रेंड फॉलो करने हैं. व्हेन यू हैव अ ब्रांड लाइक दिस व्हिच गिव्स यू अफोर्डेबल ट्रेंडी क्लोथ्स, आई थिंक इज द बेस्ट प्लेस टू शॉप. सो या शॉप एट बेनेटॉन यू गाइज विल बी फाइन. Comes to women's clothing, what is the first thing that you notice? Well, I think clothes come second. I think first of all, for me, if I had to ask personally, I see a girl's hair. For some reason, I don't know, I have a big thing for girls with open hair, and then the clothes come in. But otherwise, definitely, again, how it's fitting her, the colors and what she's wearing, and you get to know how much the girl likes you. If she's really dressed up, that means she's really made a lot of effort. And that means she likes you, she's into you. You should get the hint. I do, exactly. Yeah. So I have a keen eye and I'm following it. Yeah. All right. Thank you very much, Siddharth, again. Can we have a huge round of applause for him, please?